हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट थ्री पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किए थे, आज हम करेंगे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो इसमें भी दो इक्वेशन दी गई हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू बनाएंगे 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, और ये जो 0.2 था ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई है। इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जहाँ पे x वेरिएबल है सेकंड इक्वेशन में, वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे हम 0.2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब y वेरिएबल वाले नंबर ने अपोजिट साइन है इनका, तो ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे। इक्वल 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू माइनस 0.3। वाई इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड में 0.1, दोनों नेगेटिव थे तो कैंसिल हो गए, वाई इज इक्वल टू 0.3 आ गया। अब ये वाई की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वाई इज इक्वल टू 0.3 इन इक्वेशन थर्ड, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 0.3 डिवाइड में आएगा 0.2। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 डिवाइड 0.2। अब ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0.4 डिवाइड में 0.2। अब यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, x इज इक्वल टू ये कैंसिल होने के बाद आ गया हमारा 0.2। हैंस तो हमारी x की वैल्यू हुई 0.2 और y की वैल्यू हुई 0.3। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी दो इक्वेशन दी गई हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम x की वैल्यू बना लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y और बाय में आ जाएगा रूट 2। ये हम इक्वेशन 3 राइट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो x की वैल्यू बनी है ये, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। जहाँ पे x वेरिएबल है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। नेगेटिव माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 ये आ जाएगा 3 बाय रूट 2 नेगेटिव y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब y कॉमन आ गया इनमें से, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस 3 बाय रूट 2 माइनस 8। अब y इज इक्वल टू 0 आ गया है, y की वैल्यू 0 आई है, तो हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन में जहाँ पे y है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये आया हमारा माइनस रूट 3 डिवाइड बाई रूट 2 मल्टीप्लाई 0। तो x की वैल्यू आ गई 0, हैंस
एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो।